हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके ही चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर में एक बार फिर से जो मैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो होने वाली शॉर्ट वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली ग्रैंड लीग ज्यादा परस रहने वाला स्मॉल लीग में क्यों कम बोलूंगा आपको वो वीडियो बताऊंगा यूएस एस यू एस जी बी एस के बीच जो मैच होने वाला है इस मैच की वीडियो और उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर नया आए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसका नाम है ड्रीम इलेवन डॉक्टर आपको स्क्रीन पर नाम दिखाई दे रहा होगा ड्रीम इलेवन डॉक्टर लिखा हुआ आपको एक बार लिख के दिखाओ ताकि सर्च मारने में कोई दिक्कत ना हो डी आर ई ए एम ए एम इलेवन डी ओ सी टी ओ आर ड्रीम इलेवन डॉक्टर जो आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना तो आपको ग्यारह हजार चार सौ से ज्यादा या पांच सौ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले एक चैनल दिखाई देगा ग्यारह हजार चार सौ होंगे या ग्यारह हजार पांच सौ सब्सक्राइबर्स होंगे उससे ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले चैनल दिखाई देगा जिसमें फोटो लगी होगी ग्रैंड लीग में रैंक वन की वही हमारा टेलीग्राम चैनल फटाफट जाकर ज्वाइन करो आपको हमारे साथ जुड़ना तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है फाइनलअडेटासको वहीं मिलने वाली है तो फटाफट से करते हैं इस वीडियो को कवर क्योंकि एक लीग परपस के लिए होने वाली है स्पेशल क्योंकि आपको टारगेट करना लीग में स्मॉल लीग में कम रख के चलना तो इसलिए फटाफट आपको एक शॉर्ट वीडियो बताता हूँ सारे प्लेयर्स के बारे में तो उन प्लेयर्स के बारे को आपको ध्यान रख के चलना है तो यहाँ पे अगर टीम की बात करें टीम में दोनों में कौन फेवरेट और कौन जीतने वाली है तो नाइनटी नाइन हंड्रेड परसेंट लगा यहाँ पे बी एस बी बी की टीम जीतने वाली है सबसे तो स्ट्रांग टीम है पूरे टूर्नामेंट में इनके पास बहुत अच्छे प्लेयर है सारे एक से बढ़कर एक ऑलराउंडर भरे पड़े इनकी टीम में तो इनकी टीम का बहुत अच्छी है तो एक से बढ़कर बढ़कर एक ऑलराउंडर भरे पड़े हैं तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है इनके प्लेयरों के ऊपर सात चारों कॉम्बिनेशन आ रहा है सात यहाँ से लेने हैं चार यहाँ से लेने तो आपकी बेस्ट टीम बनेगी इस बात को आपको ध्यान रख के चलना है और होने क्या वाला है कि जैसे कि यूएस जीसीए के भी तीन चार मैचेज हार चुकी है और यहाँ पे बी भी, भी एक भी मैच नहीं है चार के चार जीती है तो हो कह सकता है जैसे अगर बी एस पहले बैटिंग करती है और ये बड़ा स्कोर करती है तो फिर ही अपने बाकी बॉलर्स को जैसे कि हर कोई दो ओवर नहीं डालेगा जैसे दो दो ओवर करके पांच बॉलर डालेंगे तो दस ओवर हो जाएंगे फिर क्या होगा कि ये बाकी अपने बाकी बी एस भी बाकी अपने बॉलर को किसी को किसी भी एक एक बॉलर को ट्राई कर सकता है जिसमें क्या है कि वो किसी बॉलिंग बॉलरस को ट्राई कर सकता है वो सात तो आठ बॉलर से बॉलिंग करवा सकते हैं तो ज़्यादा स्कोर अगर फर्स्ट बैटिंग करते करते तो ये पॉसिबिलिटी रह सकती है और फर्स्ट बैटिंग अगर यूएसजीसी करेगी तो पॉसिबल है कि इनके टॉप फाइव बॉलर या छः बॉलर ही बॉलिंग करेंगे तो इस बात को ध्यान रखें चलना पहले बैटिंग करेगी तो इनके ज़्यादा बॉलर बॉलिंग कर सकते हैं और यहाँ पे अगर यूएसजीसी पहले बैटिंग करेगी तो इनके कम बॉलर मतलब जो लिमिटेड बॉलर है वही बॉलिंग करेंगे तो आते फटाफट से यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन के आपके पास यहाँ पे एस शिवालिंगा गौड़ा की बात करें तो ये मिडिल ऑर्डर में और नीचे बैटिंग करने आ रहा है तो बैटिंग से आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है आपको बैटिंग से ज़्यादा पॉइंट देने वाले नहीं मैक्सिम अगर बैटिंग आ पेगी तो पंद्रह से बीस पॉइंट देने वाला है बैटिंग से कोई नहीं है कैचिंग स्टम्पिंग का पॉइंट देगा जो भी देगा और बी एस वी वी ज़्यादा विकेट खोलने वाली भी नहीं है तो ऐसे अगर देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर से इसको तब कैचिंग स्टम्पिंग के पॉइंट मिलने वाले है अगर बी एस वी पहले बैटिंग करते हैं बाद में तो मुश्किल है क्योंकि बी एस वी वी इनका स्कोर वैसे कम बनेगा बी एस वी वी इसको एक आधे विकेट के लॉस पे ही चेस कर लेगी तो इस बात को ध्यान रख के चलना ये आपके लिए बॉलिंग में प्रेफरेबल रहने वाले हैं आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो अब यहाँ पे आता क्या है कि बी वी क्या है कि इनका भी थोड़ा दिक्कत है ये इनके जो विकेट कीपर है वो उनकी बैटिंग नहीं आती तो तो जहां तक बैटिंग आने के फुल चांसेस हैं वह शिवालिंगा गौड़ा के तो स्मॉल लीग में आप ऐसा कर सकते हो शिवालिंगा गौड़ा का जाके सेफ जा सकते हो ग्रैंड लीग में आप बी एस वी बी के बॉलर विकेट कीपर जो भी लाइनअप के पास चलेगा उसको डेफिनेटली ट्राई करना है क्योंकि वो आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहने वाला है जैसे वो विकेट कीपिंग जैसे यहाँ पे कर रहा है वी लक्ष्मण लक्ष्मण कर रहा है तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में दिया नहीं है तो ये बड़ी दिक्कत है विकेट कीपिंग सेक्शन में दिया था तो ज़्यादा बेटर रहने वाला था आपके लिए तो बाकी तो नीचे इतने इंपॉर्टेंट रहने वाले नहीं है तो मैं आपको ज़्यादा कम लिमिटेड प्लेयर बताऊंगा ग्रैंड लीग पर पसंद है स्मॉल लीग के लिए भी तो आपको स्मॉल लीग में तो इसको लेकर ट्राई करना और आप दूसरा ऑप्शन आपके जो विकेट कीपिंग करेगा इनकी टीम से वो डेफिनेटली अगर इनमें से कोई भी विकेट कीपिंग नहीं कर रहा नीचे तो फिर इनमें से किसी को लेने का इतना फायदा नहीं है अदरवाइज आपके लिए ये पिक सही रहने वाली है एफ खान की बात करें ये आपको मोस्टली आपका बॉलिंग से ही पॉइंट देगा बैटिंग में अगर टीम इसे ऊपर भेजेगी तब और ऊपर भेजेगी उसके चांसेस भी बहुत कम है एक आधे मैच में भेजा था तो इसमें आप सोच के चलो एज अ बॉलर ही सोच के चलो आपको और अगर यू पहले बैटिंग करेगी तो आपको इसके दो ओवर पूरे देखने को मिल सकते हैं तो आपको एक दो विकेट दे सकता है इसलिए आपके लिए अच्छी पिक रहने वाला है अगर यूएस बाद में बैटिंग करती है तो क्या पता सिर्फ ये एक ओवर डाले और बाकी बॉलर्स को और बाकी दे दे तो ये थोड़ा ध्यान रख के चलते हम जी मनोहरन की बात करें हंड्रेड परसेंट बैटिंग आने वाली है और अच्छी बैटिंग कर लेता है ठीक ठाक है पंद्रह बीस रन मार सकता है अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है लास्ट मैच में इसने एक अच्छी इनिंग खेली थी आई थिंक uh, लास्ट मैच में इसकी एक अच्छी इनिंग हुई थी देख सकते हैं यहाँ इसने एक अच्छी इनिंग खेली थी तो सारी टीम में देखो लास्ट तीन मैच इसमें ड्रीम इलेवन टीम का पार्ट रहा है पर जो अपोनेंट टीम थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी यहाँ पे बीएसईवी की टीम बहुत स्ट्रांग है ज्यादा रन बनाने देगी थी वही लक्ष्मण कृष्ण अगर विकेट कीपिंग करेगा तो ग्रैंड लीग में मस्ट ट्राई करना है मस्ट मस्ट ट्राई ग्रैंड लीग में अगर विकेट कीपिंग करेगा तब और नीचे आते के मंगा नहीं यहाँ पे इसको भी इग्नोर करो इसको इग्नोर तो यहाँ पे एम नेगी को लेंगे बी एस वी बी का सबसे बेस्ट बैट्समैन यहाँ पे एम नेगी है तो इसको लेके चलेंगे हम डेफिनेटली ओपन करेगा कोई भी पहले बैटिंग करे ठाकुर की बात करें अगर यूएस जी पहले बैटिंग करेगी तो ये डेफिनेटली आपको दो ओवर ये भी डालते दिख जाएगा और अगर यू जैसे पहले बाद बाद में बैटिंग करती है तो ये भी क्या पता एक ओवर डाले बाकी बॉलर के साथ बॉलर डिस्ट्रीब्यूट बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो स्मॉल लीग में ये चार पिक रख रहा हूँ आपको लक्ष्मण को ग्रैंड लीग में ट्राई करना है अगर विकेट कीपिंग करेगा तब बाकी तो मैं आपको प्रेफर करने वाला हूँ नहीं ज़्यादा रेड्डी लास्ट में पांच अच्छा ये रेड्डी दूसरी ये वो गोयल तक कल पांच विकेट ले गई है रेड्डी की बात करें ये पहले इनका जो बॉलर था ए एस तनिक पहले इनका रेगुलर बॉलर था और ओपन कर रहा था अब पता नहीं क्या हुआ कि इसको बैटिंग भी ऊपर नहीं कर रहे थे बॉलिंग भी नहीं करा रहे और मैं अभी बताऊं पूरे मैंने एक मैच देखा था एक दो मैच यूएस जी सी की सबसे बेकार फील्डिंग लगी मुझे इनकी बहुत बेकार फील्डिंग है बहुत कैच छोड़ते हैं वैसे ये चांस नहीं देने वाले बी एस वी बी की टीम और एक कैचिंग और वगैरह के बहुत चांस छोड़ते भी बहुत हैं स्थानिकई को तो ग्रैंड लीग में जरूर जरूर ट्राई करना है बहुत अच्छा प्लेयर है बहुत ज़्यादा अच्छे स्टैट्स हैं बट अभी कुछ मैचेस मैचे चलने तो लोगों का ध्यान हट गया आठ परसेंट सेलेक्शन है ग्रैंड लीग के लिए एक मतलब बोलूंगा कि एक त्रुप का इक्का वाली पिक हो सकती है आपके लिए ग्रैंड लीग मस्ट मस्ट ट्राई करना आर सिंह मैं बोलूंगा मैंने इसकी बैटिंग देखी मुझे बी की टीम की सबसे बेस्ट बैटिंग जो लगी मुझे आर सिंह की लगी बहुत अच्छा बैट्समैन है अब रन भी मार ही रहा है बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है क्लास है बंदे के पास और बॉलिंग में भी अपने एक से दो ओवर डालेगा मिडल ऑर्डर बैटिंग कर रहा है सेकंड थर्ड डाउन बैटिंग है फर्स्ट डाउन भी सेकंड है थर्ड डाउन बैटिंग कर रहा है और अपने दो ओवर कंप्लीट कर सकता है तो बहुत अच्छा प्लेयर है कैप्टन की वन ऑफ द बेस्ट चॉइस आपके लिए ग्रैंड लीग में स्तनिक करना है गोयल को ओपन कर खेलेगा तो ओपन प्लस बैटिंग ओपन करेगा प्लस अपने या दो ओवर डालेगा प्लस लास्ट में जब पाँच विकेट लिया तो सबका ध्यान उसके ऊपर रहेगा अभी और यहाँ पे अमर खिल विरक को लेना चाहता हूँ पर यहाँ पे फिर मेरे को एक को इग्नोर करना पड़ेगा उसमें से आप मैं मनोहरन को निकाल लेता हूँ एक मिनट के लिए फिर भी मैं यार रेड्डी को रेड्डी को निकालने का फायदा क्या है कि कि विकेट ज्यादा मिलने हैं नहीं और रेड्डी से विकेट लेके देने वाला है तो विरक को मैं मिस नहीं कर सकता यहाँ पे बाकी इनके मैंने सारे ऑलमोस्ट प्लेयर कवर कर लिए छः प्लेयर कवर हो गए इनके रेड्डी या फिर मनोहरन ले लो क्योंकि अगर बी एस वी वी पहले बैटिंग करती है तो आप रेड्डी को ट्राई कर सकते हो क्योंकि इसको दो मतलब अभी विकेट लेने के चांस बन जाएंगे अगर बी वी एस वी वी बाद पहले बैटिंग बाद में बैटिंग करती है तो फिर आप रेड्डी की जगह आपके पास एक चांस है मनोहरन के साथ जा सकते हो तो आपके पास ये पिक बन सकती है चौगुल की बात करें तो यू एस जी सी गेम से मतलब इसकी ट्राई करते हो क्योंकि चार डेयर तो हमें कंप्लीट करना ही पड़ेंगे नारायण को ट्राई कर सकते हो नारायण को ट्राई करोगे तो यहाँ पे क्रेडिट का इशू आ रहा है यहाँ पर डब्ल्यू एहमद को लेना क्योंकि डब्ल्यू बसीीर मैं चाहूंगा कि यहाँ पे चौगुल और यहाँ पे नारायण की जगह मैं बसीर को ट्राई करूंगा कि बसीर बैटिंग अच्छी कर लेता है बहुत शीटिंग करता है उसने परसों ही पचास रन की एक इनिंग खेली थी तो बहुत अच्छा प्लेयर है बैटिंग अच्छी कर लेता है बॉलिंग भी बहुत अच्छी करता है मैंने एक्शन वगैरह देखा बॉलिंग देखी अच्छा बॉलर है और बैटिंग भी अच्छी कर लेता है तो एक अच्छा प्लेयर बनेगा यहाँ पे मैं नारायण से ऊपर प्रेफर करूंगा आपको यहाँ पे मैं आप चौगल की जगह यहाँ पे नारायण को भी ले सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो चोगल के अच्छे खाद विकेटिंग कैपेबिलिटी दोनों में से किसी एक को पिक कर लो विकेट ज्यादा किसी को देने वाली वो लक की बात होगा इसको विकेट मिल सकती है इसको विकेट मिल सकती है कि बी एस बी भी किसी को ज्यादा मतलब ज्यादा विकेट गिराने वाली है नहीं तो वो लक की बात होगी कि किसको विकेट मिलने वाला है और चोगल के ज्यादा चांसेस है कि दो ओवर कंप्लीट करेगा और नारायण का क्या कि एक भी डाल सकता है या फिर करवा भी नहीं सकता है या फिर दो भी डाल सकता है बसीर के भी पूरा एक्सपेक्टेशन है एक दो ओवर डालेगा प्लस बैटिंग बहुत अच्छी कर लेता है मिडिल ऑर्डर पे या सिर को आप जी लोहिया की बात करें तो आपके लिए ग्रैंड लीग के अच्छे पिक रहने वाला है अगर यहाँ से ऐसा होता है कि अगर टीम किसी को बाहर बैठाती है ऐसे एक प्लेयर को जैसे इनके छह प्लेयर है इनमें से किसी एक प्लेयर को बाहर बैठती है और लोहिया खेलता है तो देन आपको लास्ट मैच में दो मैच में लोहिया से वो बैटिंग ओपन भी करा रही है और एक आधा ओवर भी करा रही है तो आपको यहाँ पर लोहिया को अपनी टीम में ट्राई कर सकती हो ठीक है अगर ऐसा कुछ बनता है अगर मैं से कोई एक प्लेयर इम्पोर्टेंट बाहर जाता है तो तब की बात है अदरवाइज ग्रैंड लीग के लिए पिक रहने वाला अगर ये बाहर नहीं जाते कोई भी और ये तब भी खेलता है तो ग्रैंड लीग में ट्राई करना है Uh, यहाँ पे आप लोहिया को ट्राई कर ही लो क्योंकि क्रेइट नहाने के क्रेइट भाई लोहिया फिर लोहिया की बॉलिंग का थोड़ा दिक्कत आई कितने ओवर मिलेंगे फिक्स नहीं है डब्ल्यू अहमद को कम से कम दो ओवर तो मिल जाएंगे एक या एक ओवर तो मिल ही जाएगा तो आपको ये सोच के चलना है यहाँ पे बाकी आपको ग्रैंड लीग में किसको ट्राई करना है यहाँ पे uh, एन यासिर की बात करें तो एन यासिर आई थिंक एक अच्छा बैटिंग है बी का अच्छी बैटिंग कर रहा था कर इसे बहुत अच्छे छक्के मारे थे और सॉरी यहाँ पे मैं एक प्लेयर को भूल गया नागा राजा जल्दबाजी में मैच इसके बाद डायरेक्ट नहीं चला गया तो रेड्डी की जगह ना, नागार नागारा जब बहुत ज़्यादा बैटर है ओपन कर सकता है और वैसे मिडल ऑर्डर में क्या पर बैटिंग ओपन कर सकता है और दो ओर ये भी डालेगा तो मैं नागाराजा को प्रेफर करने वाला हूँ मेरे को दिखा ही नहीं है तो आपको ट्राई करना है यहाँ पे नारायण को चोगल की जगह ट्राई कर चोगले की जगह ट्राई कर सकते हो या फिर ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो और यहाँ पे आप डब्ल्यू अहमद की जगह डब्ल्यू एह की जगह ऐसा कर सकते हो यहाँ पे आप लोहिया को ले सकते हो तो कोई भी एक पिक कर सकते हो लोहिया डब्ल्यू एह अगर में से कोई एक नहीं खेलेगा तो लोहिया बैटिंग ओपन कर सकता है ठीक है और बाकी आपको नीचे करना है एन यासिर को डेफिनेटली ग्रैंड लिग में करना है स्टार्टिंग के दो मैच में इसको टीम ने ऊपर बैटिंग करी थी बहुत अच्छे अच्छे छक्के मारा था लंबे लंबे तो ग्रैंड लिग के पिक बनता है यहाँ पे बीएसवी की टीम से नासिर ये ऐसा प्लेयर है कि मतलब चांस बहुत कम होंगे कि मतलब कि टीम इसको कौन से पोजीशन में भेजती है अगर उसके ऊपर भेजती है तो बहुत अच्छी बैटिंग कर भी सकता है तो एक ग्रैंड लीग में रिस्क लेने वाली बात है इस प्लेयर पर तो फिलहाल मैं इतने लेने वाला हूँ अपनी टीम ग्रेड्डी को ट्राई कर सकते हैं इस तनिक ग्रैंड लीग में डेफिनेटली ट्राई करना मनोहरन को ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे या फिर अब नागाराजा किसी एक को ले सकते हो मैंने नागाराजा को ट्राई कर रहा हूँ तो फिलहाल मैं अपनी टीम को ये रखना चाहता हूँ जब मैंने आपको सारे प्लेयर बताई दिए कैप्टन कर लेते हैं यहाँ पे र सिंह को करके जा रहा हूँ और वाइस कैप्टन आप कर लो यहाँ पे जो बैटिंग बॉलिंग कर रहा है गोयल ओपन बैटिंग कर रहा है या वीरक को कर लो वीरक भी बहुत अच्छा लगा मुझे तो ऐसा कर लेते हैं वीरक यहाँ पे आप वाइस कैप्टन की के चॉइस है कैप्टन तो मैं इसी को रखने वाला हूँ वाइस कैप्टन के आपके दो चॉइस है वीरक की बैटिंग ऊपर करवा नहीं रहे तो इसलिए मैं थोड़ा डाउट में रख रहा हूँ यहाँ गोयल की बैटिंग ऊपर भी आ रही है दो ओवर भी डाल रहा है तो आपके लिए गोयल थोड़ा सेफ रहने वाला है वीरक भी कोई बुरा नहीं है ग्रैंड लीग में डेफिनेटली ट्राई करना स्मॉल लीग में इन दोनों में से आप किसी को वाइस वाइस कैप्टन कर सकते हो कैप्टन के लिए बेस्ट चॉइस है आप इनमें से ट्राई करना कैप्टन वाइस कैप्टन इनकी टीम में से मुझे लगता है नहीं कोई 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 इतना अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो आपको यहाँ से क्या करना है ठाकुर को बाकी तो इनके बॉलर से कि अगर बी एस यू बाद में बैट पहले बैट बाद में बैटिंग करती है तब इनको दो दो ओवर पूरे कंप्लीट मिल सकते हैं अगर बी एस यू पहले बैटिंग करती है तो बाद में क्या होगा कि लंबा टारगेट चेस कर देंगे इनकी टीम के जल्दी विकेट गिरेंगे तब ये फिर क्या करेंगे कि ये किसी को ही बॉलिंग दे सकते हैं तो यहाँ पर फिर इनकी बॉलिंग कम हो जाएगी वहाँ पर और नहीं हुआ कर सकते हो ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन वगैरह ओपन करेगा और यहाँ पे आप लोहिए और इसमें से एक किसी को पिक कर सकते हो तो फिलहाल मैं यही बता आपको ऑप्शन है आपको इन्हीं में से ट्राई करने इनकी टीम से कैप्टन वाइस कैप्टन इन्हीं में से कोई तुरु का इक्का रहने वाला है और आपको वीडियो अच्छे लगेगा लाइक मारना क्वेश्चन वगैरह पूछना तो कमेंटा पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर एडवर्टन नीचे दिखाई दे रहा होगा उसको दबाना उसको दबाना वो घंटी दिखाई देगी बैला कहीं दिखाई देगा उसको दबाना उसको दबाने का फायदा यह है कि वीडियो की नोटिफिकेशन या मैसेज आपको सबसे पहले आएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा और लाइक वगैरह कर दे करो मोटिवेशन मिलती है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो ड्रीम लाइम डॉक्टर के नाम से ग्यारह हजार चार सौ या पाँच सौ सौ पर सब्सक्राइबर्स होंगे और ग्रैंड लीग में रैक उनकी फोटो लगी होगी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ जय हिंद दोस्तों बाय बाय